शिव, पहले तो काफी कमाल की जर्नी रही है आपके बिग बॉस के घर पे, काफी दोस्त आपने बनाए, बट आप सेकंड आए, काफी लोग डिसअपॉइंट थे, बट आपसे जानना चाहूंगा जितनी भी आपकी जर्नी है और जब से आप बाहर आए हो, जिस तरह का रिसेप्शन आपको मीडिया की तरफ से, आप अपने होम टाउन भी गए थे उसमें काफी अमेजिंग रिसेप्शन मिला, क्या कुछ कहना चाहोगे आप? मैं सच्ची बोलूँ तो मतलब जो आप बोल रहे हो ट्रॉफी का, वो मुझे तब भी बुरा नहीं लगा जितना लगना चाहिए। जब लोग मिलते तो अच्छा ही लगता है कि सब लोग प्यार से इतना मिल रहे कि वो खुद हार चुके हैं, हारे मतलब वो ट्रॉफी उनके हाथ से चली गई, क्योंकि उन्होंने जो रात भर उन्होंने मुझे जो मैसेज किए मेरे फ़ोन पे या मुझे बताते कि शिव मैं रात भर हम सोते नहीं थे, अगर एक फैमिली है तो दो लोग रात भर वोट करते रहेंगे और इतना कुछ कर रहे थे लोग, मुझे वो सुन के ही मज़ा आ रहा है। कभी कभी थोड़ा सा वो हम जर्नी के वीडियोज़ आते थे, थोड़ा लगता है शिट यार, पर फिर बाद में पता चलता कि शायद भगवान ने मुझे वो हंगरी करने के लिए किया है कि तू जैसा हंगरी है वैसे ही रहना चाहिए, तो जो होता है अच्छे के लिए होता है। बट मैं हैप्पी हूँ कि अमरावती गया, अमरावती मैंने इमेजिन नहीं किया था इतना क्राउड, ये मेरे लिए क्या, दो मिनट में देखा आई शपथ, फिर मेरे में एक थोड़ा कीड़ा भी है कि वो क्राउड में से कार लेके जा रहे थे, रूफ में मैं खड़ा था तो बोले कि नहीं नहीं अपन कार डायरेक्टली वहाँ लेके जाते, बोले नहीं नहीं मेरे को उतरने दे, वो जो क्राउड जो आया हुआ है ना, जो फैमिली आई हुई मेरी, मंडली जो बनी हुई है अभी इतनी बड़ी, उनके बीच में से जाना है मुझे, शायद थोड़ा खींचा तानी होगा बट यार वही तो चाहता था मैं, वो खींचा तानी हो, मुझे प्यार करे लोग, इतने ज़्यादा क्राउड में खड़े रहे तो उनके लिए मैं ऐसे कार से फटक से निकल के नहीं जा सकता हूँ, तो मैं गया और फिर वो जो हमारे दो बाउंसर वाउंसर थे उनकी भी चटनी हो गई, मुझे भी ऐसा था छूता था फोटो, ले चलेगा ब्रो, ये मैं मज़े एंजॉय कर रहा हूँ क्योंकि ये मैं सपना देख रहा था और लोग प्यार कर रहे, होपफुली अभी मैं और ज़्यादा मेहनत करूँ, और मैं हमेशा अभी बोल रहा हूँ कि जिन लोगों ने मुझे सपोर्ट किया, जो लोग प्यार करें उनको गलती से भी हर्ट ना करूँ, पर जी रहा हूँ मैं, ये सपना है मेरा और जी रहा हूँ। शिव, आपको कितना पता है इस बारे में, आपने एक रिकॉर्ड बनाया बिग बॉस के घर में, जो एक वीडियो होता है जो लास्ट में बताते हैं पूरी जर्नी के बारे में, सबसे लंबा आज तक हिस्ट्री में आपका वीडियो रहा है, कुछ 22 या 23 मिनट का वीडियो, वो एक रिकॉर्ड आपने बनाया है, किस तरह से उस जर्नी को देख रहे हो? वो वीडियो जब प्ले हो रहा था आप काफ़ी इमोशनल थे, पूरा जर्नी, मंडली की जर्नी, आपकी जर्नी बताई उस वीडियो में, कितनी बड़ी बात है आपके लिए? यार ये यार रिकॉर्ड जो हुआ है वो मुझे पता नहीं रिकॉर्ड था कि नहीं था, कब बना, मैं आपने मुझे बताया था सच्ची में थैंक यू, बट वो जो जर्नी थी वो देखते समय इतना मज़ा आता है क्योंकि मुझे कुछ तो अंदर से, शायद मैं गलत सोच रहा होगा, पर पूरे जर्नी में मैं ऐसे सोचता था शिट यार सबको अप्रिशिएट किया जा रहा है यार, मेरे को थोड़ा तो दो यार, या ऐसा मत समझो कि ये स्ट्रांग है, ये इमोशनल नहीं होता है, होता है कभी कभी ऐसा थोड़ा छुपता है ना कि शिट मैं कर रहा हूँ ना दिल से, मैं कोई रूल तोड़ने के वक्त 10 बार सोचूँ नहीं नहीं ये बिग बॉस ने नहीं बोला ये नहीं करना है, बिग बॉस ने बोला है सबसे पहले मैं जाऊँगा ब्रो, तो ये सब चीज़ें फॉलो करने के बाद ऐसा लगता है शिट वीकेंड के बार को मुझे तो कुछ बोला ही नहीं यार, थोड़ा तो बोलना चाहिए तो और ज़्यादा मस्ती और ज़्यादा अच्छे से खेलूँ, फिर ऐसे हुआ, पर लास्ट में बिग बॉस ने बोला कि कुछ चीज़ें होती है थोड़ा वेट करना पड़ता है, फिर जो जर्नी दिखाई मेरी तब मेरा यही निकला था आई शपथ, बिग बॉस मेरे जो दादाजी वादाजी जो पूरे नाम लेते हैं शिव मनोहर उत्तम राव झिंगू जी गणू जी ठाकरे, वो सब ऊपर इतने खुश होंगे ब्रो, ये जो भी है बहुत नाम कमा रहे हैं और अपना नाम बिग बॉस ने भी लिया है, और बिग बॉस ने जो कॉम्प्लीमेंट दिया उसके बाद और सब छोटी छोटी बात भी अप्रिशिएट की, तो मुझे लगता है कोई चीज़ों के लिए थोड़ा इंतज़ार करना पड़ता है मुझे, थोड़ा ज़्यादा एफर्ट लेना पड़ता है, बट बाद में जो मिलती है वो नेक्स्ट लेवल मिलती है, थोड़ा फाड़ के मिलती है, तो वो वीडियो जो था मैं खुश था, और वो देखते में मेरी पूरी मंडली का जो अब्दू के साथ वाला बॉन्ड, निमृत के साथ वाला, MC के साथ वाला, साजिद सर सुम्बुल के साथ वाला, तो मैं एंजॉय किया वो, और वो सच्ची में मुझे फिर से देखना है, बट अभी जब भी शांत हो जाएगा तब मैं वो फिर से देखूंगा एक बार पूरी जर्नी। जी कुछ जो दर्द होते हैं वो जाते नहीं है, एक तो दिल वाले और ये बिग बॉस वाला दर्द है वो थोड़ा टाइम ज़्यादा ही रह रहा है, वो मुझे पता नहीं अभी थोड़ा थोड़ा कम हुआ है पर पूरी तरह नहीं बैठा है, शायद बिग बॉस वाला फील दे रहा है कि अभी तक भूलो मत बिग बॉस को। शिव, जिस तरह बात करें MC स्टैंड ने वो किताब जीता है जी, आपकी क्या बात हुई उस किताब जीतने के बाद, आप भी काफ़ी खुश थे, हम देख रहे थे फाइनल के दिन जिस तरह मीडिया बाइट में आप आए, आप बहुत खुश थे उसके बाद, और क्या लगता है क्योंकि कई बार MC स्टैंड ने जिक्र किया था उस घर पे कि मैं अब किताब के लिए नहीं आया हूँ, और लास्ट में जिस तरह उनकी गेम खुली और वो किताब जीती,
तो बहुत बड़ी बात होती है। जी जी। नहीं यार, वो बंदा मतलब बाद में भी पार्टी में फरा मैम के पास आके बोला कि ब्रो सॉरी यार, मतलब तू क्यों सॉरी बोल रहा है, पागल है क्या? तो वो उसके दिल में ना बहुत दिल का साफ है वो मतलब वो तब भी सोच रहा था शिट गलत हुआ ना कुछ, मतलब कुछ गलत नहीं हुआ ब्रो, जिसका हक था उसके हाथ में ट्रॉफी है और बट वो भी खुश है और उसकी भी एक जो लाइफ यहाँ पे थी और यहाँ पे गई है, तो मुझे लगता है अभी उसके टूर भी है तो वो उस पर फोकस कर रहा है, मैं भी अभी अपने जो जो काम आ रहे हैं उस पर फोकस कर रहा हूँ, बट हो गया, सब हो गया, अच्छा हुआ और दोनों भाई खड़े थे इसी में, मैं मुझे लगता है ये जीत थी, बड़ी सी जीत थी कि जो बातें हम जस्ट करते हैं ना अपने कॉलेज वाले फ्रेंड, कभी होता है यार ब्रो अपना एक बंगला होना चाहिए मुंबई में, कभी हम तू इधर रहेगा मैं उधर रहूँगा, ऐसे बहुत बातें करते, वैसे ही दो दोस्त ने बात की थी वो माइन के घर में और वो सच्ची में पूरी हुई और वो कितने खुश थे हम जब दो लोग घर पे बचे थे, वो आपने देखा होगा इतने जंप कर रहे थे हम लोग, तो हैप्पी था मैं और अभी वो भी हैप्पी। लास्ट क्वेश्चन शिव, अब काफ़ी सारे ऑफर्स आपको आ रहे हैं, सबसे बड़ा खतरों के खिलाड़ी का ऑफर आया है आपको, किस तरह से आप अपनी लाइफ अब एक्सप्लोर करना चाहोगे, क्योंकि जिस तरह आपकी आपको प्रोजेक्ट आते हैं तो सबसे ज़्यादा फोकस होता है कि किस बहुत सारे करेक्ट प्रोजेक्ट पे मैं हाथ डालूं तो मुझे और आगे बढ़े, तो किस तरह से आप अपने लाइफ को एक्सप्लोर करना चाहोगे? अभी मैं सच्ची कहूँ तो एक जो पहला स्टेप है वो खतरों के खिलाड़ी के साथ साथ मैं फिल्म का इंतज़ार कर रहा हूँ कि कुछ तो और मैजिक हो जाए, जो चीज़ मेरी हाथ से चली गई है कुछ मैजिक हो जाए, कोई फिल्म का ऑफर आ जाए जो अभी तक नहीं आया, कि शिव करण जौहर बात करो या रोहित शेट्टी बात करो या फिर जो भी बड़े डायरेक्टर हैं एक फिल्म बना रहे हैं आप करोगे उसमें, लाई शपथ, ये वाली चीज़ अगर होती है और बट थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा मुझे, बट कुछ चीज़ें हो रही है जो नॉर्मल नहीं है मेरे लिए, बहुत सारी कुछ सॉन्ग्स आ रहे हैं, होपफुली बड़े बड़े सॉन्ग्स भी मैं करूँ और खतरों के खिलाड़ी करूँ और मेन है फिल्म करूँ यार, वो होपफुली पूरा हो, बट मज़े आ रहे हैं मेरे को। थैंक यू सो मच गणपति बप्पा, गणपति बप्पा मोर है। थैंक यू गाइस, थैंक यू गाइस, थैंक यू।